हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की व्लॉग की शुरुआत करते हैं। सुबह के 8 बजे हैं और सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ सुषमा गुसाई और आप सबका स्वागत है मेरे देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के सुंदर से जुई गाँव से। और आज के मौसम की बात करते हैं तो गाँव में ये देखिए बहुत अच्छे से बादल छाए हुए हैं, तो आज तो लगता है बारिश हो ही जाएगी। मेरी तैयारी है स्कूल जाने की और इस समय गांव के सभी लोग निकल गए हैं जंगलों को, कोई अपनी गाय चुगाने, कोई बकरी चुगाने के लिए, तो कोई अपनी दिहाड़ी मजदूरी होती है जो वो करने के लिए, तो सबके सब निकल गए हैं काम पर और मैं भी चलती हूँ और मिलते हैं दोस्तों शाम को। और इस समय शाम के 6 बजे हैं और मेरी तैयारी है अभी चाय बनाने की। और सुबह से काफ़ी बादल लगे हुए थे और इस समय अब बादल कम है लेकिन हल्की हल्की हवा चल रही है, तो क्या पता संभावना है बारिश की। और यहाँ पे अभी कूड़ा जलाया जा रहा है, सबके सब इंतज़ार में है कि कब बारिश हो और कब खेतों में कुछ घास बोया जाए। तो फाइनली मैंने चाय भी बना दिया है और लेके चलती हूँ दुकान की तरफ। और बीन्सों पे फूल आ गए हैं, ये देखिए कितने प्यारे फूल आ रखे हैं। तो चलिए चाय पीते हैं। और उधर से एक दोस्त भी आ गए हैं, तो बकरी भी आ गई है जंगल से और बकरियाँ ऐसे भाग रही है पानी पीने के लिए, भागो भागो भागो। और कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि पहाड़ों में काफ़ी फूल खिले हुए थे और अब उन फूलों पे अब छोटे छोटे फल आने शुरू हो गए, ये देखिए। और ये है कड़ी पत्ता और कड़ी पत्ते पे देखिए, और हमारे पहाड़ में इसको गेंदोला बोलते हैं। और अभी ये पकेंगे तो बहुत काले होते हैं और बहुत मीठे होते हैं ये। नमस्कार, हम क्या हाल है, ठीक हो? बढ़िया, आओ ले खाओ फटाफट। ज्योति यहाँ पे अभी फ़ोन कर रही है तो मैं बाद में मिलती हूँ ज्योति, ठीक है? तो अब चाय भी पी ली है और निकलते हैं थोड़ा भ्रमण पे। और मेरे साथ में है दोस्त जी सुशीला दीदी, ड्यूटी से जा रही हैं तो हम भी चलते हैं, थोड़े ठंडे ठंडे हवा का मज़ा लेते हैं। सुबह से हम बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, सुबह तो बहुत ऐसे लग रहा था कि अभी बारिश होने वाली है लेकिन बारिश हुई नहीं और अभी भी ऐसे ही लग रहा है। और दिन में तो इतनी तेज़ धूप हो गई थी, पता नहीं इस बार क्या हो गया। और हमारे गांव में देखिए पहाड़ी केले बोलते हैं, बहुत सारे आ रखे हैं इस बार, बहुत सारे हो रखे हैं। और इस समय देखिए काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। और मेरी काकी सासू जी के घर पे तो कुछ काम चल रहा है और हमारे पहाड़ में चाची को काकी बोलते हैं, मैं बार बार ऐसे ही बोलती हूँ जी नमस्कार, ठीक चल नो काम, ये देखिए। और यहाँ पे गौशाला बन रहा है, बकरी बाड़ा, मुर्गी बाड़ा, सब चीज़ एक साथ। अच्छा कुछ ज़्यादा ही खा दिया। किरण क्या कर रही है, फ़ोन चला रही होगी। और यहाँ पे चाय भी बन रही है। यहाँ पे एक चीज़ है, यह है पहाड़ी फ्रिज, इसके अंदर पानी भर रखा है और इस कपड़े को गीला कर रखा है, तो इसमें बहुत ऐसे हाथ लगाने में बहुत ठंडा लग रहा है, तो इसमें बहुत ठंडा पानी रहता है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आज तूफान ही तूफान आने वाला है। और घिर घिर के बादल आ गए हैं, दीदी का घर दिख रहा है यहाँ से। हम पहुँच चुके हैं स्कूल के पास और सुशीला दीदी पहुँचे हैं उड़न हाउस के पास, तो उड़न हाउस में चलते हैं क्योंकि आज बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो इसके ऊपर से और भी अच्छी हवा चलेगी और यहाँ से मंदाल घाटी का नज़ारा आपको दिखाया जाएगा। आओ और यहाँ से हमारे गांव का नज़ारा देखिए, बहुत सुंदर लग रहा है इस समय, ये देखिए। और ये मंदाल घाटी, पूरी मंदाल घाटी है और वहाँ पे कालागढ़ का डैम और जय हो बंजा देवी, वहाँ पे बंजा देवी मंदिर है। और यहाँ पे उड़न हाउस बहुत अच्छा बना हुआ है और यहाँ का लोकेशन बहुत सुंदर है। और यहाँ पे देखिए बनवासा रिसोर्ट में एक नई बिल्डिंग बनी है जो कि बहुत अच्छी जगह पे बनी हुई है और यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है। और एक बिल्डिंग ये दिख रही है और यहाँ पे ऊपर चोटी पे पुंगी देवी का मंदिर है। और यहाँ पे अभी काम चल रहा है तो एक भैया बैठे हुए हैं। भैया अकेले अकेले हो आप, क्या आपके साथ में कोई और भी है? कोई नहीं है, अकेले रहोगे रात को भी? अच्छा काफी दिन से अकेले, अच्छा लग रहा है यहाँ? अच्छा। और यहाँ पे एक ननद आई हुई है, तो
नमस्ते, ठीक ठाक। और ये आए हैं नैनी डांडा से, इसका ससुराल है नैनी डांडा में, जाओ देख के आओ, आप भी जाओ और सबके सब उड़न हाउस जो आता है वो ये उड़न हाउस को देख के आता है। नहीं के लिए हम तीन हो गए हैं और मेरे साथ भागा भी आएगी और इनको छोड़ के आएंगे। और इस समय इधर से गाड़ी आ रही है तो भागते हैं क्योंकि यहाँ पे धूल होने वाली है। भागा, तुम्हारे गांव में क्या क्या काम हो रहा है आजकल? कुछ नहीं हो रहा, गाय बकरी चरा रहे। गाय बकरी? अच्छा, कितनी गाय है तेरे? मेरी एक गाय है, एक गाय है मेरी। पहले तो भैंस भी रखी थी। भैंस तो मैंने बेच दी। भैंस बेच दी, अब मैंने बकरी रखी है, गाय रखी है। कितनी बकरियां हैं? कुकड़ी कुकड़ी भी रखी है बागा ने। मुर्गा? अच्छा, कितने? 50 रखे। 50 रखे हैं, वाह बढ़िया, शाबाश। 7-8 मेरी बकरी है। और जी की लड़कियां भी बिजनेसमैन है खूब। और यहाँ का नजारा देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जल्दी जाओ। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे पत्ते गिरे हुए हैं जो कि हमारे पहाड़ों में जिसको बोदल का पेड़ बोलते हैं, तो उसके पत्ते गिरे हुए हैं और उस पत्तों पे ये दाने दाने रहते हैं बीज, तो इसके अंदर का बीज खाते हैं आजकल बहुत सारे, ये देखिए। और इसका स्वाद होता है मूँगफली की तरह। और बच्चे जैसे ही तूफान आता है तो इनको उठाने के लिए टूट पड़ते हैं, तो इसको मैं भी खाती हूँ क्योंकि मैंने बहुत टाइम से खाया नहीं, तो अभी बहुत सारे पहले मुझे उठाने हैं उसके बाद खाऊंगी। ये देखो ये बहुत सारे गिरे हुए हैं और किसी पे एक बीज है, किसी पे दो दो बीज। तो दोस्तों काफ़ी शाम हो गई है और अंधेरा होने वाला है और चिड़ियाएँ भी अपना घोंसला ढूंढने लग गई है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।